वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कई बार स्टॉक्स में ऐसी स्थिति भी आती है कि ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि उस स्टॉक को बाय करें या नहीं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होने के इक्वल ही चांस होते हैं, पर प्रॉफिट कमाने के लिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इंटेलिजेंट स्पेकुलेशन ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग बन जाती है, लेकिन ये सब जगह भी काम नहीं आती है। जैसे इन्वेस्टमेंट के टाइम स्पेकुलेशन का यूज करना, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन अलग अलग रखने चाहिए। मीन्स अगर आप सिर्फ स्पेकुलेशन पर डिपेंड होकर ही इन्वेस्ट करेंगे तो आप लॉस उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों, ग्राहम कहते हैं कि स्पेकुलेशन सिर्फ एक गेम की तरह ही होता है जिसमें आप अपनी नॉलेज और स्किल दोनों को डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों, स्पेकुलेशन में अपनी लॉस उठाने की क्षमता से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी मूर्खता भी साबित हो सकती है। मीन्स आप हमेशा उतना ही रिस्क लें जितना आप आराम से सहन कर सकते हैं। स्पेकुलेशन यानी सट्टा हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और अगर आप इसको गेम की तरह लेंगे तो आपको इसमें बहुत मज़ा भी आएगी, लेकिन आप इसमें कभी भी अपनी इनकम का बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें। स्पेकुलेशन सबसे ज़्यादा तब इम्पॉर्टेंट होता है जब कोई न्यू कंपनी आती है, जैसे जब अमेज़ॉन की वेबसाइट 1994 में आई थी। स्टार्टिंग में अमेज़ॉन ने बुक्स की शॉपिंग शुरू कराई, जो कि सुपर हिट इसका आइडिया रहा। और जब अमेज़ॉन 1997 में अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ, तब इसके एक शेयर की वैल्यू $1.73 थी, पर आज अमेज़ॉन की वन शेयर की वैल्यू $120.11 है। जिन लोगों ने इस कंपनी में स्पेकुलेशन के जरिए इन्वेस्ट किया था, उन्हें आज बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। ग्राहम ने दो तरह के इन्वेस्टर बताए हैं, फर्स्ट डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड सेकंड अग्रेसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो स्टॉक मार्केट में सेफ्टी से अपने पैसों की बढ़ोतरी चाहता है। मींस ऐसे इन्वेस्टर जिन्हें प्रॉफिट भले ही कम हो पर वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और सेकंड जो तरीके के लोग होते हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टर, ऐसे इन्वेस्टर जो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ज़्यादा रिस्क ले भी सकते हैं, पर इसमें कई लोगों को लॉस भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अग्रेसिवनेस में हमें कई बार हम जो डिसीजन लेते हैं वो गलत हो जाते हैं। अब दोस्तों, डिफेंसिव इन्वेस्टर और अग्रेसिव इन्वेस्टर दोनों को किस तरह से स्टॉक्स में पैसे लगाने चाहिए, किस तरह से यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरह से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और आप किस तरह से स्टॉक मार्केट से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।